आगे बढ़ेंगे। उधर भागलपुर के पिरपैती थाना क्षेत्र के बखारपुर गांव के रहने वाले बबीता देवी के साथ पुलिस ने बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की है, बर्बरतापूर्वक पिटाई की है। आपको बता दें कि छापेमारी करने गई पुलिस ने महिला के साथ पिटाई की, जिसके बाद घायल महिला अपने पति और परिजनों के साथ पुलिस के द्वारा की गई पिटाई को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार से इंसाफ मांगने के लिए उनके कार्यालय पहुंची, लेकिन वरीय पुलिस अधीक्षक के नहीं होने के कारण पीड़िता अपने घर वापस लौट गई। पीड़िता का कहना है कि पिरपैती, बखरपुर, मनिहारी सहित कई थानों की पुलिस दियारा इलाके में अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी करने के लिए पहुंची थी। वही महिला अपने पति को खाना देने के लिए घर पहुंची, इसी क्रम में कुछ पुलिसकर्मी आए और महिला के पति अशोक यादव से मोबाइल की मांग करने लगे, जिस पर उसने बताया कि उसके पास मोबाइल नहीं है, लेकिन पुलिस नहीं माने और पत्नी के द्वारा भी कहा गया कि मेरे पास भी मोबाइल नहीं है। पुलिसकर्मी इसी बात को लेकर गुस्से में आ गए और महिला के साथ गाली गलौज करने लगे और साथ ही मुक्के और राइफल के बट से उसकी पिटाई कर दी, जिसमें महिला का सिर फट गया और वह बेहोश हो गई, जिसके बाद परिजन उसे नजदीक के अस्पताल ले गए, जहां से उसे जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं घायल की सिटी स्कैन कराने के साथ साथ डॉक्टरों ने उसे दवा भी दिया। वहीं पुलिस की बर्बरता को लेकर महिला अपने परिजन के साथ वरीय पुलिस अधीक्षक के पास गुहार लगाने पहुंची थी, लेकिन वरीय पुलिस अधीक्षक से मुलाकात नहीं होने के कारण सभी वहां से लौट गए। वहीं महिला और उनके परिजनों का कहना है कि पुलिस लोगों को इंसाफ दिलाने का काम करती है, लेकिन जिस तरीके से महिला की पिटाई की गई उसके लिए ये लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। आप जब अपने बथान पर थे क्या हुआ? हाँ, अपना बथान पर थे ना, तो बोला मोबाइल है आपके पास? कौन? प्रशासन बोला। तो हम बोले सर मेरे पास मोबाइल नहीं है, हम खाना खा रहे हैं, हाथ धोने दीजिए। हाथ धो के तब तक मैं ही बोला कि मोबाइल नहीं है मेरे पति के पास, बहुत उल्टा शब्द में गाड़ी दिया, गाड़ी दे के ही पकड़ लिया, पकड़ के मुक्का फाइट, पांच छह आदमी मिल के, वहाँ देखिए वो कुंडा का निशान है, इस पर मार दिया है, यहाँ पीठ में मार दिया है, फिर यहाँ मार दिया है, ये आमने सामने है, देख लीजिए। प्रशासन लोग आया था, पूछा कि किसी को बथान है, तो मैं बोले कि अशोक यादव के बथान है, तो बोलो कि मोबाइल दिखाओ, तो कनी मोबाइल नहीं था, नहीं दिखाने के लिए गाली गलौज करके उ लोग अब मारने पर गए मेरा दीदी के, मुक्का फाइट कुंडा। हमारे साथ भागलपुर से विभूति जुड़ चुके हैं। विभूति, की जिस प्रकार से कार्रवाई की गई है पुलिस के द्वारा, बर्बरता पूर्वक कार्रवाई से कह सकते हैं, जहां एक महिला की पिटाई की गई, पूरा मामला क्या है? पूरा मामला सर, भागलपुर के पिरपैती थाना क्षेत्र के बाखरपुर गांव की रहने वाली बबीता देवी से जो हमारी बातें हुई, बबीता देवी का कहना है कि पुलिस जो है हमारे घर पर छापेमारी के लिए आई थी, खोजबीन के लिए आई थी, और इसी दौरान जो है पुलिस के द्वारा ही बबीता देवी पर प्रहार किया गया, उसे बर्बरता पूर्वक पीट दिया गया, बंदूक के बट से मारा गया। जहां तक जैसा कि हमें बात हुई उनसे, बबीता देवी से, उन्होंने कहा कि पुलिस ने बंदूक के बट से प्रहार किया जी। ये बताइए विभूति, जिस तरह से कार्रवाई की गई, पुलिस ने कार्रवाई की है, कार्रवाई जो छापेमारी के दौरान, उस गांव में छापेमारी के दौरान महिला के साथ जिस तरह से बर्बरतापूर्वक उन्होंने पिटाई की है, क्या इंसाफ मिलेगा? एसपी कार्रवाई करेंगे उन पुलिस कर्मियों पर, कर्मियों के ऊपर? फिलहाल तो सर अभी जो भागलपुर के जो वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार जी हैं, उनसे जो पीड़ित है उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है, और वो इंसाफ के लिए ही वरीय पुलिस अधीक्षक के यहाँ आई हुई थी, लेकिन किसी कारणवश वरीय पुलिस अधीक्षक से मुलाकात नहीं हुई और महिला और उनके परिजन जो है वे अपने घर लौट गई है। विभूति, ये बताइए कि एक इंसाफ मांगने के लिए महिला जाती है और वरीय पुलिस अधीक्षक वहां पर नहीं मौजूद रहते हैं, और वो वापस लौट जाती है, उनका आवेदन कोई नहीं लेता, ये जरा बताइए कि अगर एसपी वहां पर नहीं मौजूद रहे, अगर कार्यालय में मौजूद नहीं रहे, तो क्या उन्हें इंसाफ कब मिलेगा? उनके एवज में कोई तो होगा उनका आवेदन लेने के लिए? हाँ, ये तो ये हम ये कह सकते हैं कि भागलपुर जो
पुलिस की जो वरीय पुलिस अधीक्षक है उन्हें रहना चाहिए, अपने कार्यालय में रहना चाहिए, क्योंकि इस तरह के बहुत पीड़ित जो है अलग अलग थाना क्षेत्र से यहाँ अपने आवेदन को लेकर के आती है, लोग आते हैं, लेकिन अगर उसका सही समय पर उसका अगर नहीं होगा सुनवाई नहीं होगी, ताकि पुलिस के वरीय पुलिस अधीक्षक अगर इनकी सुनवाई नहीं करेंगे तो आखिर कौन करेंगे। जी चलिए, तमाम जानकारी, जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए विभूति आपका शुक्रिया। तो अब देखिए